दोस्तों यहाँ साइड में आपको एक मेल देखने को मिल रहा होगा जो कि मेरे फ़ोन पे परसों रोज आया था और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस तरह का मेल। और एक्टिव राहुल यूट्यूब चैनल ने भी जो है इस बारे में वीडियो बनाया है। हालांकि मैंने जो है गलती ये कर दिया कि इस मेल को अच्छे से मैं तफ्तीश नहीं किया, अच्छा से जानकारी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं इस मेल को देख के कि भाई ये यूट्यूब का मेल नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब ने ही मुझे भेजा है और मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ कि ये जो है स्पैम वाला मेल है या फिर किसी हैकर का एक मेल है। और मैंने उनके दिए गए लिंक पे क्लिक भी किया और उन्होंने जो फाइल दिया था जो मेल में, जैसे आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब टीम सेंड यू आई वीडियो, ठीक है, चेंज इन यूट्यूब रूल्स एंड पॉलिसी के नाम पे मेल आया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूट्यूब के जो पॉलिसी है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो चेंज हो रहा है, उसके लिए जो है आपको मेल भेजा गया है। अगर ये मेल आपको आया है तो आपको जो है यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल भेजा जाएगा जिसमें आपको एग्री करके आपको भेजना है, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल और साथ में वीडियो, वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि जिस वक्त ये मेल आया था मुझे लगा कि सच में किसी YouTube का अपडेट था, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे जो है थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि ऐसा कुछ स्पैम वाला मैसेज है। और मैंने जो है पूरा प्रोसेस जो है किया उस लिंक के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट फाइल जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, उसको मैंने डाउनलोड भी किया और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी करके उस वाले फाइल को क्लिक कर दिया। अब दोस्तों जिस टाइम में ये सारा चीज़ हुआ उस टाइम में मेरा सिस्टम, ठीक है, क्योंकि मेल में साफ साफ लिखा है कि आप इसे डेस्कटॉप में ओपन करें, यानी कि जो हैकर है वो फ़ोन को हैक नहीं सिस्टम को हैक करना चाहता था, इस वजह से इस तरह से था। और मेरा जो सिस्टम है उसका एक्सेस उसके पास में चला गया, तो मुझे तो पता नहीं था जिस वक्त मैं क्या ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने अपने वीडियो में बोला कि ठीक है कुछ तो हो नहीं रहा है और किसी को पता है तो कमेंट करो, इस तरह से बोल के मैंने वहाँ पर वीडियो एंड कर दिया। वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाला, नेक्स्ट रोज़ वीडियो मैंने डाला, और जब मैंने वीडियो डाला उस वक्त तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं मैंने गलत कर दिया है। और क्योंकि दोस्तों जिस वक्त ये सारा चीज़ किया उसके बाद में जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लॉगिन था और एक मेरा जो मेन चैनल है उस पर मैं लॉगिन था और मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, तो ऑटोमेटिक जो है वो साइन आउट हो गया, ठीक है। साइन आउट जैसा हुआ उसके बाद में मैंने फ़ोन पे जब चेक किया तो वहाँ पर एक मैसेज आया था अपने फ़ोन के जीमेल पे, अननोन एक्टिविटी बोल के। तो तब मुझे जो है ये रियलाइज़ हो गया कि मैंने जो है बहुत बड़ा गलती जो है कर दिया है और मेरे जो पीसी, मेरे जो सिस्टम है उसमें लगभग 5 से 6 ऐसे जीमेल आईडी थे जिसमें मेरा मेन यूट्यूब चैनल का जीमेल आईडी था, उसके बाद में एक और जीमेल आईडी, बहुत पुराना जीमेल आईडी था जिसमें मैं अपना मेन यूट्यूब चैनल को एज ए मैनेजर वहां पर मतलब एक्सेस दिया था। तो सारा कंट्रोल जो है मेरे इस फ़ोन पे जो मेरा पुराना जीमेल आईडी है उस पर एज ए मैनेज परमिशन दिया हुआ था, तो वहाँ से मैं पूरा एक्सेस करता था अपने फ़ोन पे भी और अपने पीसी पे भी, ठीक है। और जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल था वो जीमेल आईडी को मैं किसी भी डिवाइस पे एक्सेस नहीं करता था, वो सिर्फ उसी डिवाइस पे मतलब मेरे सिस्टम में ही था, तो वहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता था। तो मेरे जितने मेल थे उसको तो मैंने जब देखा कि इस तरह का एक्टिविटी चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने अपने जितने भी हो सके जीमेल आईडी का पासवर्ड जो है वो बदल दिया। मगर जो मेन चैनल था वो मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था कि वो चैनल भी उस पर है नहीं है, क्योंकि सडन उसके बाद में क्या है 2 दिन तक कोई एक्टिविटी हुआ नहीं। जैसे मैंने अपना मेन चैनल का पासवर्ड वगैरह चेंज करे जब साइन आउट हुआ था, और जो मेरा पुराना जीमेल आईडी जो मेरे फ़ोन पे है उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, और भी जो 2 जीमेल आईडी थे उसके भी जो पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, तो उसके बाद कोई भी एक्टिविटी हुआ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ही चल रहा था। तो मैं जो है थोड़ा सा सोचने लगा कि अब कुछ नहीं, क्योंकि जिस क्रोम ब्राउज़र पे मेरे सारे जीमेल आईडी वगैरह थे मैंने उस क्रोम ब्राउज़र को भी अनइंस्टॉल मार दिया, ठीक है। और उसके बाद में एक दिन के बाद में फिर मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे में जो है कल का डे था और कल जो है मैं रात में आईपीएल मैच चालू हुआ, तो आईपीएल मैच में थोड़ा सा उसे देखने में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आईपीएल मैच ख़त्म होता है पहला इनिंग्स, और उसके बाद में लगभग 10:30-11 बजे
मैं देखता हूँ कि मेरे जीमेल आईडी को मेरा मैं वो चैनल को जो है मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि परमिशन मैंने मैनेज परमिशन दिया होता तो वो चैनल जो है वो अब एक्सेस नहीं हो रहा है, वो शो ही नहीं हो रहा है। तब जो है मुझे डाउट हुआ। उसके बाद में मैं जब उस जीमेल आईडी पे लॉगिन करना चाहा तो भाई वो और लॉगिन हुआ नहीं। उस जीमेल आईडी पे आपको रिकवरी ईमेल आईडी भी था, मेरा यही जीमेल आईडी रिकवरी जीमेल आईडी दिया हुआ था, और फ़ोन नंबर भी था, रिकवरी फ़ोन नंबर भी था। उसके बावजूद भी मैं अपने उस जीमेल आईडी को रिकवर नहीं कर पाया। तो यहाँ बहुत सारा चीज़ जो है हुआ है, बहुत तरीके से मैंने कोशिश किया उसे रिकवर करने के लिए, मगर जो हैकर है उसने जीमेल आईडी ही चेंज कर दिया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो जीमेल आईडी भी चेंज हो गया और उसके बाद में फ़ोन नंबर को भी उसने जो है जो रिकवरी फ़ोन नंबर था उसको भी चेंज कर लिया, और रिकवरी ईमेल आईडी तक भी जो है वो चेंज हो गया। अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने उस जीमेल आईडी को, जिसके वजह से मेरा उस चैनल को भी मेरा जो है कोई एक्सेस नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से मेरा जीमेल आईडी और जो चैनल है वो हैक हो चुका है। हालाँकि दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगभग आज से देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 साल पहले मेरा यही चैनल हैक हुआ था, मगर उस टाइम जो हैक हुआ था वो कुछ अलग रीजन के वजह से हैक हुआ था, और इस बार जो है जो हैक हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा और सोच पाता उस टाइम में तो शायद ये चीज़ नहीं हो सकता था। खैर जो होना था हो गया, चैनल हैक हो चुका है, अब हमें अपने चैनल को वापस लाना है। टेंशन मुझे इस बात की नहीं है कि मेरा चैनल आएगा या नहीं, मुझे अपना जीमेल आईडी चाहिए, क्योंकि उस जीमेल आईडी पे ही मेरा गूगल एडसन अकाउंट भी है, और आप लोगों को पता है कि इंसान किसी भी एक इंसान का गूगल एडसन अकाउंट एक ही बार बनता है, ठीक है। तो मेरा जो एडसन अकाउंट है उसी पे ही है, और चैनल भी मेन चैनल भी बोला जाए तो वही चैनल है। हालांकि उस चैनल का अभी ग्रोथ जो है अभी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि 5 साल पुराना चैनल है। इतना मेहनत से मतलब 5 साल का मेहनत से लगभग 170,000 सब्सक्राइबर है, वो एक लोगों को दिखाने के लिए ठीक है, अगर हो तो मिल जाए तो सही बात है, न तो अगर मेरा जीमेल आईडी और मेरा एडसन अकाउंट भी अगर उसके साथ रिकवर हो जाता है तो मेरे लिए वो भी काफ़ी है। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा जो चैनल है वो वापस आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी गूगल टीम के साथ में चैटिंग वगैरह चल रहा है, सब चीज़ है, और ट्विटर पर भी जो है हमने पोस्ट डाल रखा है, ठीक है, टैग कर रखा है यूट्यूब टीम को। तो देखते हैं आगे चल के जैसे ही हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारा चैनल वापस आ जाता है, तो किस तरह से हमने अपना चैनल को रिकवर किया नहीं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जो है हमारा वो चैनल भी वापस आ जाए, और उस चैनल पे जो भी थोड़ा बहुत काम करता था, जिस तरह से भी मेरा काम चलता था वो काम रहे, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मेरे ऑडियंस तो हैं। चैनल हैक होने के बाद में वहाँ पर भी जो है कॉन्टेंट वो अपना कुछ कंटेंट वगैरह जो है अपलोडिंग चालू कर दिया है, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी वापस आएगा उतना मेरे लिए बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।